सलमान खान की बात का क्या अभिषेक के ऊपर कुछ फर्क पड़ा है? आपको लगता है ऐसा? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइव फीड देखते हैं। मैं भी लाइव फीड देखती हूँ। लाइव फीड मैंने देखा कल रात को जो है बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई, जिसके बारे में मैंने कल रात को ही आप लोगों को बता दिया था, अभिषेक और विक्की के बीच में, जहाँ पर ये एक दूसरे की सच्चाई जो उनके दिल में है वो बके जा रहे थे, बोले जा रहे थे। पहले तो मुनावर, मनारा सब लोग वहाँ पर आए, सब ईशा, समर्थ सब लोग वहाँ पर बैठे थे और सुन रहे थे कि आखिरकार इनके बीच में क्या हुआ। पहले तो मुनावर जो है उस लड़ाई में खड़े थे और वो सुन रहे थे कि भाई हुआ क्या है, पर वो उस लड़ाई में किसी के भी बीच में नहीं गए, क्योंकि अंकिता भी ये कहती हुई नजर आई है और मुनावर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ गया है कि भाई ये अभिषेक जो है ये चीज़ समझा नहीं है। अब सलमान खान ने जो बातें इसको बोली थी वही बातें ये रिपीट कर रहा है। इससे अच्छा, इससे बेटर ये है कि आपको अगर ये लड़ाई देखनी है या इस लड़ाई में आपको इंटरेस्ट है तो बाजू में जाके बैठ जाओ, जहाँ पर मुनावर जो है अंकिता के साथ बैठ गया, पर मनारा भी जो है वहाँ पर खूब इस लड़ाई को जो है इंजॉय तो बहुत ज़्यादा कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी बना रही थी अजीब अजीब तरीके के, पर यहाँ पर किसी ने किसी का सपोर्ट नहीं लिया। और सलमान खान ने ये भी बात बोला था कि भाई ये हाथ पीछे करके जाता है क्या, मैं तो तेरे से बात ही नहीं करता, और क्या मार लोगे, जाओ मार लो, मैं तो छोड़ देता। और अब ये सब लोग यही बात सोचते हैं कि भाई भिड़ने दो, मारेंगे तो जाएंगे बाहर, इनको खुद को होना चाहिए, हम क्या इनकी इतनी ज़्यादा केयर करें। अब कंटेस्टेंट के माइंड जो है टोटली चेंज हो चुके हैं इस वीकेंड के वार के बाद। एक अलग आप लोगों को रूप देख के दिखने के लिए मिलने वाला है इस वीक में। इसी के साथ मैं लेती हूँ साथ साथ, नमस्कार।